जी वेस, आज हम अनबॉक्सिंग करने के लिए जा रहे हैं वो इनफिनिक्स कंपनी का हमारे पास मॉडल है हॉट 10, जो कि रिसेंटली मार्केट में आया है। और आपको एक बताएं कि ये स्पेशल गेमिंग मोबाइल है। जी हाँ, ये पबजी गेमिंग मोबाइल फ़ोन आप इसको कह सकते हैं, क्यों तो इसमें हाई लर्ट ही गेमिंग की गई है, जिसके ऊपर स्पेशल लिखा गया ये एक गेमिंग मोबाइल है। इससे पहले हम देखते थे कि हमें जो इसमें प्रोसेसर मिला है वो इससे पहले जो मोबाइलों में प्रोसेसर मिलता था वो 60,000 से प्लस मोबाइल होते हैं, लेकिन ये मोबाइल सिर्फ 20,099 डिवाइस में ये आपको मिल जाएगा G70 चिपसेट के साथ। आज हम इसको अनबॉक्सिंग करने के लिए है। डू नॉट स्किप वीडियो, आप स्किप मत कीजिएगा। अगर आपने वीडियो स्किप की तो मालूमात काफ़ी मिस हो जाएंगी। हम इसमें आपको तमाम इन्फॉर्मेशन के गेमिंग के टेस्ट भी थोड़ा सा दिखाएंगे और इसका आपको कैमरे का रिव्यू भी देंगे, इसके मोबाइल का डिस्प्ले का सारी चीज़ों के अबाउट बात करेंगे। इससे पहले हमारा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, और अगर आप हमारी ये देख रहे हैं फेसबुक पे पेज पे तो हमारा फेसबुक भी पेज लाइक कर लें, और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं नीचे तमाम लिंक्स दी हुई हैं जिससे आप इंस्टाग्राम, टिकटॉक और हमारा फेसबुक पेज लाइक कर सकते हैं। अगर आप इस वक्त वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर, तो ऊपर तमाम लिंक्स दी गई हैं जिनको फॉलो करके आप हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और तमाम लिंक्स फॉलो कर सकते हैं ताकि न्यूज़ और अपडेट के साथ ये वीडियो आती रहे। तो फाइनली हम इसको अनबॉक्सिंग करने के लिए जा रहे हैं, तो हम अनबॉक्स करके देखते हैं इसमें हमें क्या देखने को मिलता है। जी व्यूअर्स, फाइनली हम इस डिवाइस को ओपन करके देखते हैं और मैंने आपको कुछ इसके हाईलाइट फीचर्स दिखा दूं और कुछ चीज़ें बता दूंगा। पहले हमें आपको ये बता दें कि हमने पीछे भी बताया कि एक गेमिंग मोबाइल फ़ोन है, G70 चिपसेट में है, हॉट 10 है, और हमारे पास जो है ये 64 SD और 4GB रैम में आपको पहले बताया था। और हम फाइनली इसको ये कुछ इसकी मालूम आता है, इसको अनपैकिंग करते हैं और अनपैकिंग करके देखते हैं कि हमें इस बॉक्स में देखने को क्या क्या मिलता है। तो मैं इसको अनबॉक्सिंग की तरफ करने के लिए जा रहा हूँ, मैं इसका वेब पर इसका उठा लूँ। ये फाइनली मैंने इसका वेब पर मूव कर लिया है। अब इसका हम इसको मूव करेंगे इसके स्टिकर को। व्यूअर्स, हमने बॉक्स को अनपैकिंग कर लिया है। अब इसको अनपैकिंग करते हुए सामने हमें डिवाइस मिली है देखने को, और हम इस डिवाइस को ऊपर उठाते हैं तो हमें इस डिवाइस के जो मेन फ्यूचर्स हैं वो मिले हैं। हम ज़रा फ्यूचर पर इसकी नज़र डालें। इन्होंने हमें जो दिया है, उन्होंने कहा इन्फिनिक्स हॉट 10 अनलिमिटेड फन 64GB SD के साथ, और इसके बताया क्या जो इसमें चिपसीट है जो वे स्पेशल गेमिंग के लिए, गेमिंग लेवल के लिए है, तो नेक्स्ट लेवल का मोबाइल है, G70 चिपसेट के साथ है जो तो बहुत हाई है। फिर उसके साथ 6.78 वाओ HD प्लस डिस्प्ले, जिसका मतलब है आपको 7 इंच के करीब डिस्प्ले मिल रहा है। यार बहुत बड़ा डिस्प्ले, अगर आप मूवीज़ देखना पसंद कर रहे हैं, अगर आप सॉन्ग सुनना पसंद कर रहे हैं, अगर आप बड़ी स्क्रीन पसंद कर रहे हैं, गेमिंग में खेलने में मज़ा ले रहे हैं, इट्स अ वेरी वेरी गुड डिस्प्ले। और उसके साथ आप 5200 mAh की बैटरी, कमाल हो गया यार, इसके साथ आपको बहुत लॉन्ग टाइम बैटरी मिलने वाली है, जिसमें आप गेमिंग कर रहे हैं आपको प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, जितनी मर्जी गेमिंग करें आपकी बैटरी जल्दी ख़त्म होने वाली नहीं है, जो कि एक बहुत ही अच्छा फीचर है। फिर उसके साथ 16 MP गोल्ड इन्होंने कैमरा दिया गया है क्वाड का, जो तो बेहतरीन कैमरा सिस्टम है। ये मुकम्मल कुछ हाईलाइट फ्यूचर थे, इसको हम साइड में करते हैं, ऑन करके फिर देखते हैं, और इसके बाद हमें इसकी जो बुक्स ही अगर एसेसरीज है उसकी तरफ नज़र डाल लेते हैं। और इसमें हमें कुछ भी नहीं है, स्टिकर है जो बेकार हर बंदा फेंक देता है, मैं भी फेंक देता हूँ। और इसके बाद हम इस बुक्स को अनबुक्स करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो बुक्स में हमें एक अदद इसमें हमें मिल रहा है, डाटा केबल मिल रही है, और इसके अलावा हमें इसके अंदर एक अडाप्टर मिल रहा है जो कि 10 वाट को सपोर्ट करता है, कोई इतना फास्ट नहीं है। ये आपके सामने है, मैं दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए पर्स ले, लेकिन एक फास्ट नहीं है लेकिन अच्छा बेहतरीन चलने वाला। एक मैक्रो USB इसके साथ चार्जर टेबल बुक्स है, और इसके अलावा ये कुछ मेन्यू है इसका, और इसके अलावा इसके अंदर ये एक स्टिकर है, और इसके अलावा इसके अंदर हमें देखने को मिल जाता है इसका वारंटी कार्ड, जो कि 13 मंथ के लिए वारंटी कार्ड होता है। उससे पहले हमें ये वेब पर प्रोडक्ट मिल जाता है, और इसके अलावा हमें ये कार्ड वारंटी कार्ड मिल जाता है, इसके साथ हमें बैक केस मिल जाता है, और हमारे बुक्स में कुछ भी हमें देखने को नहीं मिलता। अब हम डिवाइस की तरफ जाते हैं और डिवाइस को ओपन करते हैं।
तो हम फाइनली इस वेपर को डिवाइस से मूव करते हैं। मूव करने के बाद हम देखते हैं कि हमें मूव करने के बाद इसको ऑन किया था। अब मैं जल्दी जल्दी से इसका सेटअप कर लेता हूँ और सेटअप करने के बाद फिर हम इस पर बात करते हैं। जी व्यूअर्स, हमने फाइनली इसका मुकम्मल सेटअप कर लिया है, ये देखिए हमारे सामने है। और इस सबसे पहले हम इसकी ज़रा नज़र डालें इसकी साइडों पे कि इसके डिज़ाइनिंग में बात कर लें। इसकी जो ओवरऑल डिज़ाइनिंग है वो बड़ी प्यारी डिज़ाइनिंग है, ये देखिए सैमसंग के मोबाइलों की तरह डिज़ाइनिंग है। मुझे पर्सनली ये डिज़ाइन बहुत प्यारा लगा है और ये बहुत ही अच्छा डिज़ाइनिंग है। लेकिन आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो साइड फिंगरप्रिंट का, अगर वो हो जाता बेहतर है, बैक साइड भी फिंगरप्रिंट है, बट ठीक है। और इसके अलावा और हम जब चिपसेट की बात पे आते हैं तो इस प्राइस में तो हम कहते हैं बस ठीक है। और दूसरी बात, इसमें बहुत बेहतरीन है और इसका डिस्प्ले बहुत प्यारा HD प्लस IPS HD प्लस डिस्प्ले है इसका। IPS HD प्लस इसका आपको डिस्प्ले मिल जाता है, ये देखें, और जो तो बहुत प्यारा डिस्प्ले है। और इसके अलावा हमें इसका जो कैमरा मिल जाता है आपके सामने है, और हमें 16 मेगापिक्सल का इसमें कैमरा मिल जाता है, और उसके साथ हमें 2 मेगापिक्सल का लेंथ और मज़ीद लेंस 2 मेगापिक्सल डेथ लेंस मिल जाता है, मैक्रो लेंस मिल जाते हैं, LED लाइट मिल जाती है, और 8 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा हमें साइड में मिल जाता है। और इसमें जो हमें डिज़ाइन की बात करें तो हमारे पास बैक साइड पर स्पीकर दिया हुआ, उसके साथ मैक्रो केबल चार्जिंग की है, 3.5 ऑडियो जैक दिया गया है, और इस साइड में हमें वॉल्यूम दिया गया है, अप और डाउन पावर ऑन ऑफ का बटन दिया गया, ऊपर की तरफ कोई सिर कोई शायद कोई चीज़ नहीं दी गई। और इस साइड पे यहाँ पे आप 2 सिम से एक SD कार्ड लगा सकते हैं, और इसके अलावा कोई डिज़ाइनिंग नहीं है। और ये हमारे पास मोबाइल की मुकम्मल है जी व्यूअर्स। ओवरऑल हमने आपको इसकी तमाम मालूमात दे दी हैं, तमाम इन्फॉर्मेशन दे दी हैं। अब मेरा एक्सपीरियंस ये है कि ये डिवाइस बहुत प्यारी डिवाइस है। एक तो इसकी हैंड फीलिंग बड़ी प्यारी है, और एक इसका डिस्प्ले बहुत बड़ा डिस्प्ले है, जहाँ पे आप इजीली अपनी बहुत ही आसानी के साथ अपनी गेमिंग कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊँ, मज़े की बात है ये कि स्लिम बहुत है, ये नहीं है कि बहुत स्लिम है। और इसमें चिपसेट की क्या कमाल, और HD जो प्लस इसका उन्होंने IPS पैनल दिया गया है, उसकी रिजल्ट परफॉर्मेंस ब्राइटनेस बहुत अच्छी है, और इसकी ब्राइटनेस और डिस्प्ले ये मसला नहीं है। अगर आप बाहर भी जाते हो, दिन का वक्त है, तब भी ये बहुत अच्छे तरीके से फोकस कर पाएगा, बहुत अच्छे से तरीके से आपकी स्क्रीन का आपके सामने अदा करेगा। और दूसरी बात ये है, ये मोबाइल का यूज़ ये बहुत ईजीली है, फ्रेंडली है, कोई ज़्यादा नहीं है। और मैं इसके ऐड की बात करूं तो हम जैसा देखते हैं कि इसका मोबाइलों में ऐड आ जाते हैं, क्योंकि जब हम इसको देखते हैं कि हमने अक्सर लोड करके देखा हुआ है कि इन मोबाइलों में एड्स बहुत आते हैं, तो हम मैंने यहाँ पे नोट किया, यहाँ पे ऐड नहीं आ रहा, मुझे कहीं भी ऐड नहीं नज़र नहीं आ रहा। और बेहतरीन बात है कि ऐड नहीं दिया गया इसमें, अगर है तो सेटिंग में आप ऐड को ऑफ भी कर सकते हैं। ये इसका मैन्यूम है, और ये एंड्रॉयड 10 पे ऑपरेट हो रहा है, लेकिन इस वक्त एंड्रॉयड 12 पे पहुंच गया है मोबाइल, ये इसकी है थोड़ी सी। और इसके अलावा इसमें आप बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस ले सकते हैं गेमिंग का। और अगर आप कोई म्यूज़िक सुनना चाह रहे हैं, अगर आप किसी ऐसा सॉन्ग सुनना चाह रहे हैं यूट्यूब पर, या मूवी देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो मैं आपको बता दूँ
ये मोबाइल आपके लिए बहुत बेहतर हो सकता है मूवी में देखने वालों के लिए और जो गाने शौक से सुनते हैं उनको देखने वालों के लिए, क्योंकि उसकी वजह यह है कि इसका स्क्रीन बहुत बड़ी होने वाली है जिस पे आप आराम से अपना म्यूज़िक, अपनी वीडियो, अपना सॉन्ग एंजॉय कर सकते हैं। मुझे ये पर्सनली डिवाइस बहुत पसंद आई है और इसका जो कैमरा है वो भी बहुत पसंद आया मुझे पर्सनली, और इसके कैमरे में जो मैंने ऑन करके देखा है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, और इसके कलर में और इसके कैमरे में काफ़ी ऑप्शंस हैं जो मैंने देखे हैं और बेहतरीन परफॉर्मेंस अदा करते हैं, और ये कैमरा जो इसका फ्रंट कैमरा है और वो भी बेहतरीन कैमरा है। इस हिसाब से हम जिस बजट के हिसाब से हम देखें तो बजट प्राइस के कैमरे हमेशा लो होते हैं, लेकिन इसके, और मैं आपको बता दूं दोनों कैमरे से आप 1080 तक पी तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, और मैं आपको ये भी बताता जाऊं कि आप इस पे फ्रंट कैमरे और बैक कैमरे से 2K तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, बहुत ही आसानी तरीके से साथ इस मोबाइल के साथ आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और ओवरऑल डिवाइस मुझे बहुत पसंद है, इसका टच बड़ा सॉफ्ट है, मुझे ये भी चीज़ पसंद आई, और इसका इंटरनेट की जो 4G है वो फुल सिग्नल रहते हैं आपके, ये नहीं है मिस करेगा, लो ब्रांडेड का मोबाइल है, ऐसा नहीं है आपको कहीं भी आपको ये साथ नहीं छोड़ता, आपके फिंगर के साथ साथ जैसे जैसे आप इसको हदायत देते हैं ये आपका साथ मुकम्मल तौर के जिस तरह बढ़े। उसकी एक वजूहत ये भी हो सकती है कि इसमें G70 चिपसेट है जो कि एक पावरफुल चिपसेट है। बताइएगा कि हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी और इस मोबाइल का रिव्यू आपको कैसा लगा। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो नीचे मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप ऑलरेडी ये मोबाइल यूज़ कर रहे हैं आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं मुझे ये भी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और मेरा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब एंड बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करिएगा। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं ऊपर तमाम लिंक्स दिए हैं, इंस्टाग्राम वगैरह वहाँ भी फॉलो कर लें। अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो नीचे तमाम लिंक्स दिए हैं, वहाँ पे जाके इंस्टाग्राम टिकटॉक पे भी हमें फॉलो करें।